आज मैं लेके आई हूँ बड़ा पाव का रेसिपी। बड़ा पाव महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस है, इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। तो आप इस बड़ा पाव की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। पाव बनाने के लिए मैं यहाँ पे 3 आलू मैश कर ली हूँ, यहाँ पे लहसुन अदरक और हरा मिर्च का पेस्ट बना ली हूँ। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें तेल डालूँगी। मैं डाल रही हूँ यहाँ पे आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई। इसके बाद ये हमारा लहसुन अदरक और हरा मिर्च का पेस्ट, थोड़ा सा भून लेंगे इसे। आप चाहे तो इसमें कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। मैं अब इसमें आलू डाल रही हूँ। इसमें नमक डाल रही हूँ आधा चम्मच, कटा हुआ धनिया पत्ता डाल रही हूँ। आलू हमारा भुन चुका है, गैस को बंद कर देते हैं, अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। तब तक मैं हरी चटनी बना लेती हूँ। चटनी बनाने के लिए मैं ली हूँ यहाँ पे कटा हुआ धनिया, टमाटर, हरा मिर्च और ये लहसुन। तो मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। चटनी पीस के तैयार कर ली हूँ मैं, अब मैं इसमें डालूँगी नमक। चटनी थोड़ा मोटा ही पीस के रखे आप, ये देखिए चटनी को थोड़ा सा दरदरा पीसना है, इसे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। वो आलू हमारा ठंडा हो चुका है, अब हम इसे बड़ा बना लेते हैं। अब हम बेसन का घोल तैयार कर लेंगे। मैं यहाँ पे बड़े वाले चम्मच से 2 से 3 चम्मच बेसन ली हूँ। अब मैं डाली हूँ इसमें हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच नमक। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसका घोल बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। तो देखिए घोल को इतना गाढ़ा बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। अब इस घोल में मैं इस बड़े को डालूँगी। तो चलिए हम इसे फ्राई कर लेंगे। बड़ा हमारा बन चुका है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब हम इसी तेल में हरा मिर्च को ऐसे कट लगा के फ्राई कर लेंगे। हरा मिर्च अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसे बाहर निकाल देती हूँ मैं। हरा मिर्च पे नमक डाल देंगे थोड़ा सा। वड़ा पाव के लिए मैं ये वाला पाव यूज़ कर रही हूँ, 3 पाव ली हूँ मैं। इसे ऐसे बीच से तोड़ लेंगे, यहाँ पे हम चक्कू भी लगा सकते हैं। ये देखिए हमारा ऐसे, ये मैं हरा वाला चटनी लगा रही हूँ। ये हमारी लाल वाली मूंगफली की चटनी है, दूसरे वाले साइड में लगाएंगे। यहाँ पे ये ऐसे बड़े को रख लेंगे, हरा मिर्च का ऐसे डंठल को तोड़ देंगे। ये बन गया हमारा बड़ा पाव। ऐसे ही हम सबको तैयार कर लेते हैं। बड़ा पाव बन के हमारा तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारा रेसिपी पसंद है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।